एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कितने सब पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, उसमें कौन कौन से सब पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो आप लोग 8, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे होंगे। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पिक्चर में देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन एनर्जी लेवल सराउंडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इसे आप न्यूक्लियस कंसिडर करोगे। इसके बाहर इस तरह के एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं। इन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिजाइड करते हैं। इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एटम का। सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो बाहर पार्ट्स बने हुए होते हैं, जो बाहर लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, उन्हें बोलते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उन्हें बोलते हैं ऑर्बिट्स। उसके बाद आ जाएं थ्री पार्टिकल्स जो हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स में आप बताओगे नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। व्हाट आर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस। व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन एन एटम। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स, उन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। एटॉमिक स्ट्रक्चर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले बताएंगे हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। देयर आर थ्री बेसिक पार्टिकल्स। बेसिक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटीनो। तो ये सब जो प्रेजेंट होते हैं, ये और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, लेकिन वो बेसिक नहीं होते। बेसिक जो होते हैं वो थ्री पार्टिकल्स होते हैं। देयर आर थ्री बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम, electron, protons and neutrons. Protons are positively charged and present inside the nucleus. Neutrons are negatively charged, neutrons are neutral particles and present inside the nucleus. Electrons are negatively charged and present in the orbit surrounded the nucleus. Okay? उसके बाद आ जाएं introduction पे। सबसे पहले आपने इस chapter में आपने सब atomic particles को discuss करना है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्कवर हुए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। पिक नजर नहीं आ रही, क्यों? आप लोगों को यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड नजर नहीं आ रही? बच्चों किसी को भी नजर नहीं आ रही? जल्दी बताएं, दोबारा से शेयर कर लेती हूँ। अब आ रही है नजर आपको? अब आ रही है नजर? ओके। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़नी है आपने। इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया और किस तरह डिस्कवर किया? तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ कैथोड रेज आर, कैथोड रेस को हम इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं। कैथोड रेस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं
कि ये इन एक्चुअल ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअल एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल जाते हैं वो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। उन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम पढ़ते हैं कि ये कैथोड रेज है। ओके, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स? जे जे थॉम्सन एन इंग्लिश फिजिस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ईयर 1897 में जे जे थॉम्सन ने, और विलियम्स क्रुक था एक, वो बाद में आया था। डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स जे जे थॉम्सन ने किए थे। उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को, उन इलेक्ट्रॉन्स को कंफर्म करने के लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था सर विलियम क्रुक्स ने किया था, ठीक है। इसलिए हम ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इस ट्यूब को हम बोलते हैं क्रुक ट्यूब भी बोलते हैं इसे, ठीक हो गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बाद में हुआ था। पहले एक चीज प्रपोज कर दी जाती है, फिर उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है वाकई ऐसा है भी या नहीं। तो पहले प्रपोज किए गए थे इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह से। सबसे पहले जब 1897 की आप बात करते हैं हम, तो तब जो है एटम्स में पार्टिकल्स का साइंटिस्ट को पता ही नहीं था। एटम होते हैं, एटम मिलके ह्यूज मटेरियल्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उन पार्टिकल्स का पता चला, पहले ये प्रपोज किया गया कि एटम्स में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस प्रपोजन के बाद फिर डिसाइड किया गया कि अगर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो इसके लिए कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जिससे पता चले कि वो पार्टिकल्स जो हमने प्रपोज किए हैं वो वाकई एटम्स के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं। तो बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे। यहाँ पे आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, इसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। मैं पहले आपको यहाँ पावर पॉइंट स्लाइड से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इजी है थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने एक एक चीज जो है वो मेंशन की हुई है बुक में, उसने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है सारा, कुछ समझ नहीं आ रहा। या आप लोग पढ़ोगे ना एक दफा तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि लिखा क्या हुआ, इसलिए हम पहले यहाँ से करते हैं। उसके बाद मैं आपको बुक से भी रीड करवा दूंगी, अगर कोई इश्यू हुआ तो हम बुक से रीड आउट कर लेंगे, उसमें कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जो आपको नहीं समझ आता तो वो हम उधर से देख लेंगे। फिलहाल आप इस कैथोड रे ट्यूब को देखें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कैथोड रे ट्यूब है। यहाँ पे देखें, इसे कहते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब मेथड। डिस्चार्ज ट्यूब मेथड ये होता है जिसमें डिस्चार्ज का मतलब होता है किसी चीज का मतलब एग्जिट होना, किसी चीज का निकल जाना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक हीटर नजर आ रहा है, ये इसे बोलते हैं कैथोड। इस हीटर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बीम जो आपको बिल्कुल रेड कलर के एरो स्ट्रेट लाइन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये किस वजह से स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे देखें प्री एक्सिलरेटिंग एनोड, एक्सिलरेटिंग एनोड। एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है एक्सिलरेशन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सिलरेशन। तो इनको मूव कराने के लिए यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर की कुछ प्लेट्स जो हैं ये फिक्स की गई हैं। इन प्लेट्स को, ऊपर वाली प्लेट्स को उसने बोला प्री एक्सिलरेटिंग एनोड, उसके बाद वाली प्लेट को बोला फोकसिंग एनोड, उसके बाद नीचे देखें एक्सिलरेटिंग एनोड, ठीक है। कुछ प्लेट्स जो है वो फोकस कर रही हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो इस कैथोड से निकल रही हैं, कुछ उन्हें मूव करा रही हैं और कुछ जो है वो एनोड को एक्सिलरेट करा रही हैं। इस तरह से ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है, और यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम, और यहाँ से ये एग्जिट हो जाती है। ये जो स्क्रीन आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये सर्कल सा बना हुआ है, ये टॉर्च की तरह की बनी हुई है ना आगे से, ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है ये बनी होती है फॉस्फर स्क्रीन, फॉस्फोरस की बनी हुई होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर जाके लगते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, वहां पे एक लाइट सी प्रोड्यूस होती है, ल्यूमिनस बोलते हैं उसे। उस लाइट की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये जो पार्टिकल्स आके इसके ऊपर हिट किए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक कैथोड होती है, इसे हम इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं। इस कैथोड को यहाँ से, इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं। जैसे हीटर है ना, हीटर में जो आपको रॉड्स नजर आ रही होती है ना, वो भी कैथोड ही होती हैं।
ठीक है, इस तरह हीटर जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने के लिए अबव एंड बिलो फोकसिंग प्लेट्स और एक्सीलरेटिंग प्लेट्स एज ए एनोड लगाई गई हैं। अब ये एनोड क्यों है, कैथोड क्यों नहीं है? एनोड क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन बीम नेगेटिवली चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज बीम होगी, तो इनको फोकस करने के लिए ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव चार्ज कोई प्लेट चाहिए होगी और उस प्लेट को हम एनोड बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होगी, अगर वो नेगेटिव चार्ज ही होगी तो फिर तो वो रिपेल हो जाएगी, क्योंकि सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। जब वो रिपेल हो जाएगी तो रिपल्शन की वजह से वो फोकस नहीं हो पाएगी। तो इनको फोकस करने के लिए हमेशा ऑपोजिट चार्जेस की प्लेट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे फिक्स की जाती है। जैसे ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आके इस प्लेट के साथ स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे आपको एक ल्यूमिनेस नजर आती है, एक शाइन नजर आती है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे आके किसी चीज ने स्ट्राइक किया। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब डिस्चार्ज ट्यूब में एक्चुअली होता क्या है, एक तरफ कैथोड होता है, पीछे भी आपने देखा ना कैथोड प्लेट थी, दूसरी तरफ एनोड होता है या फिर फोकसिंग प्लेट लगी होती है या फिर इस तरह यहाँ पे एनोड लगा होता है। आपकी बुक में जो मोस्ट सिंपल डायग्राम है वो यही वाली डायग्राम बनी हुई है। आप लोगों ने डायग्राम प्रैक्टिस भी यही करनी है। ये जो ट्यूब मैंने आपको दिखाई थी ये आपको थ्री डी दिखाया था कि किस तरह से इंटरनली किस तरह से होता है सारा प्रोसेस, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखें, डिस्चार्ज ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूक ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब को हम क्रूक ट्यूब भी कहते हैं। इट इज मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास की बनी हुई होती है, विच कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स। Here are the two metallic plates, which first one is called cathode and the second one is called anode. Cathode is having negative charge and anode is having positive charge. The electron beam accelerating from the cathode plate and attracting towards the anode plate. Because the electrons are having negative charge. जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन बीम होगी, जो कैथोड रेस से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है जो रेस, वो उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। उनको एक्सिलरेट करने के लिए आपने एक प्लेट प्रोवाइड की है, वो एनोड है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इन सब रेस को जो आपको ये इस तरह की नजर आ रही है डॉटेड, इन सबको एक्सिलरेट कर लेगी, इन सबको अट्रैक्ट कर लेगी। और एक प्लेट है, ये वाली प्लेट है, कैथोड इज अटैच्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड द प्लेट विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज कॉल्ड एनोड बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस प्लेट इज कॉल्ड कैथोड बिकॉज दिस इज कॉल्ड टू द दिस इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो फर्दर यहाँ पे वन प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एक प्लेट किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से, दैट इज कॉल्ड एनोड, एंड द अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड दैट इज कॉल्ड कैथोड। दिस ट्यूब इज फिल्ड विद एनी गैस, इस ट्यूब को किसी भी गैस से फिल कर दिया जाता है, मोस्टली हाइड्रोजन गैस से फिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इन डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरह के डिस्चार्ज ट्यूब में एट लो प्रेशर, प्रेशर बहुत लो रखा जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है वो 1 atm है, यहाँ पे जो प्रेशर रखा जाता है वो 0.01 atm रखा जाता है, जो कि बहुत लो है, ठीक है। इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एट लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखें, आपको नीचे नजर आ रहा होगा हाई वोल्टेज सप्लाई, ये वोल्टेज सप्लाई होती है, जो हमारे घरों में वोल्टेज सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट्स हैं। यहाँ पे देखें ये कितने वोल्टेज अप्लाई इज 5000 टू 10000 वोल्ट्स, कितने ज्यादा हैं ये 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट से कहाँ पे, 220 वोल्ट्स की हम बात करते हैं जिसपे पूरे मतलब हम लोग सारे अप्लाइंसेस यूज भी करते हैं, लेकिन ये 5000 टू 10000 वोल्ट हैं, ये कितने ज्यादा हाई वोल्टेज होगा, कितना ज्यादा होगा। तो इतना वोल्टेज अप्लाई किया जाता है यहाँ पे, और जो प्रेशर होता है इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब इज सील है ना, पूरी सील है ट्यूब, कहीं से आपको नजर आ रहा है कोई होल हो इसमें या बाहर एयर के साथ इसका कोई कॉन्टेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। तो ये यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर रखा जाता है वो प्रेशर रखा जाता है 0.01 torr,
इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एट लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर एट वेरी हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास, एक इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है. ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अ स्ट्रीम ऑफ रेज इज प्रोड्यूस. इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने की वजह से ऐसे लगता है कि जो रेज हैं उनकी एक स्ट्रीम सी चल रही है. ठीक है, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज. इन रेज को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समरी है पूरी ये एक्सपेरिमेंट की. आपने क्या किया, सबसे पहले आपने डिस्चार्ज ट्यूब, अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स. एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया आपने, उसके साथ टू मेटेलिक प्लेट्स अटैच की. एक मेटेलिक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, दूसरी मेटेलिक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया. पॉजिटिव टर्मिनल जो था वो एनोड बन गया और जो नेगेटिव टर्मिनल था वो कैथोड बन गया. ठीक है, सेकेंड वन इज द ट्यूब इज फिल्ड विद अ गैस एयर और वेपर्स ऑफ सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड प्रेशर. ये जो ट्यूब होती है ये फिल्ड होती है, किसी भी वेपर से फिल्ड हो सकती है, हाइड्रोजन गैस से फिल हो सकती है. ठीक है, गैस भी हो सकते हैं, वेपर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज. ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये जिस बैटरी के साथ अटैच होते हैं वो हाई वोल्टेज बैटरी होती है. और कितना हाई वोल्टेज होता है उसका, 5,000 to 10,000 volts. The exact voltage required depend upon the length of tube and pressure inside the tube. जो exact voltage होगा, either आपने 5,000 apply किया, either आपने 6,000 apply किया, या फिर 7,000 apply किया, ये सब depend करता है कि discharge tube की जो length है वो कितनी है, या फिर उसके अंदर जो pressure set किया है 0.01, वो कितना pressure आपने set किया है. जब pressure और length define हो जाते हैं उसके बाद जो है voltage प्रोवाइड किया जाता है, उसकी बेस पे प्रोवाइड किया जाता है. जितनी लेंथ होती है उतना वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है. द ट्यूब इज अटैच्ड टू वैक्यूम पंप बाय मींस ऑफ स्मॉल साइड ट्यूब सो दैट कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे बी स्टडीड एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर. ये जो ट्यूब होती है इसके साथ वैक्यूम पंप अटैच होते हैं ताकि रेगुलर इंटरवल्स पर जो गैस है वो मतलब कि वो स्टडी की जा सके, उसमें कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट इज ऑब्जर्व दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर इवन एट हाई वोल्टेज ऑफ 5,000. वो कहते हैं कि जब आप 5,000 तक का हाई वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं तब भी गैस में से करंट पास नहीं करता. व्हेन प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड एंड हाई वोल्टेज अप्लाइड देन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस. दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, हाई वोल्टेज भी अप्लाई होना चाहिए और प्रेशर भी कम होना चाहिए. अगर आप सिर्फ हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, प्रेशर कम नहीं करोगे, करंट पास नहीं करेगा. अगर प्रेशर भी कम होगा, हाई वोल्टेज भी अप्लाई करोगे, तब करंट पास करेगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस थ्रू द गैस प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द ट्यूब. इस तरह का एक ल्यूमिनस एक ग्लो प्रोड्यूस होती है ट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें एलिमेंट्स की तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं. थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. Nucleus core of atom is the positively charged 99% of atom mass present in the nucleus because all the protons and neutrons are present in the electrons. So 99.9% of atomic mass present in the nucleus. Electrons, protons and neutrons are found in the nucleus and electrons are present outside the nucleus in the orbits surrounding the nucleus. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, अब जो यहाँ से कैथोड रेज निकली हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. दीज रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड. कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ये जो रेज निकलती हैं ये कैथोड में से निकलती हैं. ये देखें यहाँ पे,
ये देखें, ये रेस कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, और ये एरो आपको बता रहा है कि ये एनोड की तरफ जा रही है, ऐसे ही है ना। तो उसके बाद हम लोग थे यहाँ पे, उसने कहा है दीज रेस ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, ये रेस कैथोड से निकलती हैं, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेस पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। कैथोड रेस आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट होते हैं, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है, टर्न होने हो जाना, मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मे बी ये राइट साइड पे मूव कर जाएं या लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएं, इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो स्ट्रेट लाइन में जो मूव कर रही होती हैं कैथोड रेज, मे बी वो लेफ्ट और राइट पे मूव कर जाएं, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन होती है, लेफ्ट या राइट पे डिफ्लेक्ट हो जाना, किसी एंगल पे टर्न हो जाना रेस का, वो डिफ्लेक्शन होती है। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स, ये रेज मटीरियल पार्टिकल्स की बनती हैं, द रेशियो ई ओवर एम ऑफ दीज पार्टिकल्स वॉज 1.76 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पर 8 ये वैसे अलग से टॉपिक है ई ओवर एम रेशियो का, अगर आप इसे यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं भी करना चाह रहे तो इसे पेंडिंग कर लें, ये नेक्स्ट टॉपिक यही है, ई ओवर एम रेशियो क्या होती है। ई स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ई ओवर एम रेशियो, ठीक है, इन रेशियो, इस रेशियो की बेस पे हम बहुत से कंक्लूजन्स जो हैं वो निकाल लेते हैं। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई होती हैं, दीज रेज अपॉन स्ट्राइकिंग ग्लास और सर्टेन अदर मटीरियल कॉज देम ग्लो, इस तरह की रेज जब किसी भी ग्लास पे स्ट्राइक करती हैं या किसी मटीरियल पे पड़ती हैं तो वो ग्लो कॉज करती हैं, ल्यूमिनस कॉज करती हैं, शाइन आती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की, और ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट डाउन एनी 5, एनी 6 और एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ओके। वैसे ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर शॉर्ट बन सकता है तो उसमें से ये बन सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिखें, उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब एटॉमिक स्ट्रक्चर बताना होगा आपने, शॉर्ट में आ सकते हैं, और बस डायग्राम आ सकती है, सिर्फ डायग्राम बनाएं, सीआरटी बोलते हैं ना इसे, कैथोड रे ट्यूब, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सीआरटी, तो डायग्राम आ सकती है शॉर्ट में, अदरवाइज ये जो एक्सपेरिमेंट है और डायग्राम के साथ, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लियर। अब अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे